माननीय रक्षा मंत्री भारत देश की आपको पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और विशेष रूप से जिससे मार्ग के पावर पहुंची जी और इच्छुगढ़ की ओर से हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने इतने कम समय में हमारा न्योता को आपने स्वीकृति दे के यहाँ पे आप उपस्थित रहे, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। परम पावन सरिंगोची जी और पूज्य भिक्षुगण यहाँ पे उपस्थित, मंच पे जो विराजमान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान आरके माथुर जी और भी यहाँ पे उपस्थित सभी मेहमान का समय बहुत कम है, इसलिए मैं हर एक के नाम नहीं ले पाऊंगा, दे क्षमा चाहूंगा। इस बात की खुशी है परम पावन इस सिमिनेंस कब्जे रिपोर्चे जी ने आज तक लद्दाख के जो सामाजिक विकास हो, जो राजनीतिक विकास हो, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हर दिशा में परम पावन जी ने लद्दाख को एक मार्गदर्शन दिया है और साथ ही साथ एक अच्छा लीडरशिप भी दिया है। आज भी आप इस उम्र में भी लद्दाख के यंग जेनरेशन को इंस्पायर करते रहते हैं। इतने बढ़िया लाइब्रेरी जो लद्दाख में केवल एक ही मात्रा आपने जो स्थापित करके लद्दाख के लोगों के लिए जो आपने लोकार्पण किया, इसके लिए पूरे लद्दाख वासियों की ओर से हम सबसे शिक्षा रिंपोचे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय राजनाथ जी की जानकारी में मैं बता दूं, पूरे लद्दाख वासी जो है आपको बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत खुश है क्योंकि आपने आपको लद्दाख आते रहा है। 2010 में भी आए, 11 में भी आए, अलग अलग समय पे आप यहाँ पे आते रहे हैं और विशेष रूप से इस सीमावर्ती इलाके में, इस जो बर्फीला क्षेत्र दुर्गम है, दुर्लभ है, जो एक जमाना था कोई यहाँ देखने भी नहीं आते थे, लेकिन आज माननीय मोदी जी के केंद्र सरकार में आपने रक्षा मंत्रालय संभालने के बाद आप बार बार लद्दाख के दौरे पे आए और विशेष रूप से इस बार आप 3 दिन के लिए यहाँ पे आने का मतलब जो है पूरा सीमावर्ती इलाके का सुरक्षित जो है आप यहाँ पे सुनिश्चित करके हम सबको एक आश्वस्त देते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय साहब, मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप गृह मंत्रालय जब आप संभाल रहे थे इससे पहले 5 साल के मोदी सरकार में, आपके पूरे मेहनत की वजह से लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए, यूनियन टेरिटोरी, जो कि लद्दाख वालों का एक सपना हुआ करता था, जिसमें हमारे परम पावन रिंपोचे जी है, माननीय तुलताक सेवांग जी है, ऐसे लोगों ने जो है इस लद्दाख को अभी तक संभाल के जो लाया है, इसको एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो आप लोगों ने कृपा किया है, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लोग यूटी मिलने से बहुत खुश है और साथ ही साथ लोग चाहते हैं कि यहाँ के वातावरण जो है सुरक्षित, कल्चर नेचर फीचर जो है पूरे देश दुनिया के लिए संरक्षण रहे, इसके लिए भी सरकार ने हमें आश्वस्त किया, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय आशीर्वाद साहब जी की जानकारी भी मैं संक्षेप में ला दूं, गुरु जी ने यहाँ पे लाइब्रेरी का स्थापना तो किया, लोगों को लोग अर्पण तो किया, लेकिन एक सवाल यह आता है कि इसको रनिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि इसका एक बहुत लंबे समय तक जो खर्चा होने वाला है, गुरु जी इसके बारे में चिंता करते हैं। मैं चाहूंगा कि यूटी प्रदेश सरकार जो है इसका जिम्मेवारी लेके जो गुरु जी का थोड़ा बर्डन कम करे, ये जो है माननीय आरके माथुर जी को भी इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा।
आगे चढ़ो स्टीम चढ़ो।